आशु मेरे छोटे भाई बोलो। हाँ जानी। मैं इधर हूँ, जीजा जी के यहाँ आया था। ये गरबा वो महोत्सव कराया हूँ ना, तो वहीं आया था, बस फ्री हो गया, वहां से निकल आया हूँ। बताओ जरा यार, एक काम था आपसे। बताओ। क्या भैया, यहाँ कोठारी पे एक बाबा है, आओ। तो वो क्या यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अभी एक दो हफ्ते से देख रहा हूँ मैं। हाँ मुझे अभी, मैं कोठारी पे बैठा था, नॉर्मली पापा को लेने जाना था मुझे, हाँ तो टाइम था, कोठारी में हाँ बैठ गया। तो क्या है भैया, उनको भूख लगी है, मुझसे बोल रहे थे बेटा दो रोटी नहीं मिल जाए, तो अच्छा, आप काम अच्छा कर रहे तो हो। गड़बड़ गड़बड़ नहीं क्या उनका? अब मालूम नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, तो खाने का तो उससे बोला था खाना चाहिए। हाँ भैया, कुछ मदद हो सके तो यार आ जाओ। अरे बिल्कुल मदद हो जाएगी भाई, अपन तो मदद करने के लिए बैठे हैं भाई। तो कहाँ ठीक पे है, आना है? कोठारी आओ, चलो। हाँ कोठारी हाउस, जो डी डी नगर में गेट नंबर 2 से जाते हैं, वही है क्या कोठारी हाउस? हाँ अच्छा, चलो ठीक है। मैं देख, अब रात के बज रहे हैं, 11:30 हो गए भाई। अब देख, घर पे खाना तो मिलेगा नहीं, तो बाहर से ही देख लाता लो भैया, हूँ पैक होटल से करा भी के। देख लीजिए। ठीक है, हाँ होटल से भी ले। तो वहीं हाँ वहीं रहियो, मैं आता हूँ पैक करा करूँगा। ठीक है, आ जाओ जाओ आओ आओ। जल्दी। तो भाइयों, मैं रैंडमली कैमरा वीडियो किसी और चीज़ के लिए बनाया था, मतलब चालू करा था, और रैंडमली मेरे पे कॉल आ गया, देखो किसी की सहायता के लिए। तो मैं बस अब वहीं जाऊंगा सीधा। बता रहा है कोई बाबा जी हैं, भूखे हैं। देखते हैं भाइयों, अब आगे आपको दिखाते हैं। अब वीडियो बनी रही है तो आपको दिखाने में क्या जाता है। जय श्री राम। तो वो जिस भाई का कॉल आया था, तो वो हमने खाना पैक करा लिया है, बस ऑर्डर दिया है यहाँ से, हाँ भाई, जेके एक फोटो नई भी डाल नई दो। सड़क पे है, साई कृपा करके। ये आधी रात को खुला है भैया, ये तो कुछ कुछ एक अच्छी फोटो चीज़ें हो भी जाती मारा हैं। दो। तो बस इसके बाद आगे दिखाते हैं कि बाबा किस हालत में है, बाबा खबर एक तो आ गई बाबा है। फोटो ले लो। तो भाइयों, अपन ने ले लिया वो बाबा के लिए खाना, अब देखते हैं बाबा जी क्या हालत है। फोन तो आ गया है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है भाइयों, जा रहे हैं। तो अभी हमें हमारा छोटा भाई मिलेगा, जिसका कॉल आया था, जिसने बताया कि बाबा जी भूखे हैं, कोई चौराहे पे किसी रोड पे बैठे हैं, 2-3 दिन से वहाँ पे मतलब पड़े रहते हैं, पहले नहीं समझ पाया। तो भाई उसने कॉल किया इसलिए क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है कि भाई कोई भी ऐसी मदद वगैरह करने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, तो इसलिए कॉल लगाया था। चलो आगे आपको दिखाते हैं, और वीडियो वगैरह इसीलिए बनाता हूँ कि भाई मदद करने के लिए लोग ये सब चीज़ें देख के, वीडियो वगैरह देख के मदद करने के लिए लोग थोड़ा सा उत्साह हो जाते हैं, एक जुनून आता है कि हमें भी करनी चाहिए, बस इसीलिए बनाता हूँ वीडियो। तो भाइयों, वो जिस लड़के ने हमें फ़ोन लगाया था, चल उनके लिए वो आ चुका है, क्योंकि उसी को पता है वो कहाँ बैठे हैं। तो बड़ी कहाँ, ठंड है, ठंड तो छोड़ो, कहाँ है वो? चलो सीधे ऐसे करके ऐसे ले लेना। अच्छा, तो क्या मतलब कितने दिन से है वो यहाँ पे? मतलब मैं कल परसों देखा था उनको, और फिर आज देखा। तो उनसे तुमने पूछताछ नहीं करी कि घर वगैरह कहाँ है, कहाँ से आए हो? नहीं, पूछना चाहिए, चलो अभी उनसे पूछ लेंगे कहाँ से आया है। बस तो उनको दिखा, भूख लगी थी तो मैं आपका करूँ कॉल। चलो अच्छा किया आपने, चलो अभी आगे दिखाते हैं उनकी हालत कैसी अरे क्या है। गाड़ी घुमा लो पूरी अकेला। हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए, पहले बाबा अकेला था, अब ये दो हो गए हैं। ये समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए उन पे, खाना ले आया उनके लिए, मुझे लग रहा है इसे बगैर वो बैठे तो हैं, अभी देखते हैं इनसे बातचीत करके क्या है चक्कर में। ये बाबा मिल गए हमें, इनको दे देते हैं खाना, क्योंकि हालांकि अभी मैंने देखा ये खा ही रहे थे कुछ। ले लो महाराज जी, अब खाना आपके लिए पैक तो कर लाया था, ले लो। ठीक है, रोटी भी है इसमें, चावल भी है। आपने क्या खा लिया था? नहीं तो हम, मैं लेके आया था, आप खा रहे थे, तो मैंने कहा फिर दूँ कि नहीं दूँ, फिर आपका देखा सिर्फ आप एप्पल एप्पल खा रहे थे। इसमें रोटी रोटी रखी है, चावल रखे हैं। ठीक है, जी फ़ोन लगाया था इसने मुझे, मैं था बाड़े पे, है नहीं वो तो हम कर लिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से खा लो है। तो भाई ये मदद भी भाई साहब बहुत सुकून देती है, ऐसी मदद करते रहा करो। जय श्री राम।